वरना सबको अंदर करवा दो। सवाल ये आता है कि हाउ टू बिकम ए लॉयर, यानी एक लॉयर कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, ग्रेजुएशन कितना होता है और कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है, तो सारे डिटेल्स में हम जान लाएंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहले आपको कोई भी एक लॉ का डिग्री लेना पड़ेगा एक लॉयर बनने के लिए। और डिग्री कैसे होते हैं, जैसे कि एक कंबाइंड डिग्री होता है इंटीग्रेटेड LLB, जो 5 साल का होता है, 2 डिग्री कंबाइंडली होता है, ठीक है, जैसे कि BA LLB, BBA LLB एंड BCom LLB, ये होता है। सेकेंड में होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी LLB जो होता है वो 3 ईयर का कोर्स होता है, उसके लिए आपको 12th कंप्लीट करना पड़ेगा, +2 आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो। और बेटर होगा अगर आप आर्ट्स में होगे तो, क्योंकि इसमें ना पॉलिटिकल साइंस वगैरह का टॉपिक रहता है जो आर्ट्स में ही मिलता है, कॉमर्स साइंस में इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये होता है 3 साल के लिए। इसके लिए बहुत सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड बैंगलोर हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है मास्टर ऑफ लॉ ऑफ LLM, जो होता है मास्टर ऑफ लॉस, यानी ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो बंदा कर सकता है। इसके लिए आपको LLB कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे डिग्रियाँ आप ले लो, इसके बाद भी आप एक एडवोकेट नहीं बन सकते, ठीक है। आपके पास लॉयर का डिग्री होगा, इसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा लॉ का, ठीक है। द लास्ट स्टेप इज़ क्लियर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIBE, दैट इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फॉर अपीयरिंग द एग्ज़ाम कैंडिडेट रिक्वायर टू एनरोल देमसेल्फ एंड एडवोकेट विद द स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। अगर सेंट्रल में नहीं होता है तो स्टेट बार काउंसिल में भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मैं बता चुका हूँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो आप कर सकते हो, बाकी आर्ट्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब चीज़। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको बताया है मैंने क्या क्या चाहिए। और अब आता है कि कौन सा जो है इसका एंट्रेंस होता है। इसका एंट्रेंस ना मेनली होता है कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट CLAT, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AIELT होता है, जो IIT में करना चाहते हो उसके लिए लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LSAT। इसके साथ आपको हर स्टेट में मिल जाएगा, स्टेट में बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पे आपको LLB LLM का कोर्स मिल जाता है, और उनके लिए आपको उन्हीं के यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो मैं बात करता हूँ ओडिशा का, मैं ओडिशा से हूँ, बाकी आप लोग अपना कमेंट में अपना स्टेट मेंशन कर दीजिए, मैं उनके बारे में भी बना दूंगा वीडियो। तो ओडिशा में जो गवर्नमेंट में जो लॉ कॉलेज है उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी है, FM यूनिवर्सिटी है, NLU यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटी कटक है, संबलपुर यूनिवर्सिटी है, ULG यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज है, लाजपत राय लॉ कॉलेज संबलपुर है, लिंगराज लॉ कॉलेज ब्रह्मपुर है, मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कटक है, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर है। इनमें से आपको हर जगह हर कोर्स नहीं मिलेगा, कुछ जगह में आपको LLB का कोर्स मिलेगा और कुछ जगह में LLM का कोर्स मिलेगा, कुछ जगह में BA LLB ऐसे कुछ मिलेगा, सारे जगह में सारे कोर्स अवेलेबल नहीं है ओडिशा में। तो आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स चूज करना है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरे आखिर तक देखें, मैं हर कॉलेज के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, उनका कैसे एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस कैसे होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस से लेकर हर चीज़ में हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, चलते हैं। अभी ओडिशा में जितने भी सारे हमारा गवर्नमेंट में लॉ कॉलेज है उनमें से ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मास्टर लॉ डिग्री यानी LLM होता है, FM यूनिवर्सिटी में भी मास्टर लॉ डिग्री यानी LLM होता है, NLU में सिर्फ BA LLB होता है, एंड संबलपुर यूनिवर्सिटी में ओनली LLM होता है, ULC भुवनेश्वर में ओनली BA LLB ऑनर्स होता है, लाजपत राय कॉलेज में LLB होता है, लिंगराज लॉ कॉलेज में BA LLB होता है, एंड मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज कोटक में LLB होते हैं। तो हमने जानेंगे ये सारे जो जितने भी मैंने बोला सबका ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके अपने वेबसाइट में एडमिशन पेज में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एडमिशन हो जाएगा अगले 1-2 महीने के अंदर ही निकल जाएगा फॉर्म, ऑनलाइन में सारे में अप्लाई होगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट में। 600 रुपीज़ चार्जेस रहता है और सारे यूनिवर्सिटी में जनरल कास्ट के लिए
45% से 50% के अंदर जो 12th का रिजल्ट लगता है, यानी LLB के लिए। तो बाकी आप लोग ऑफिशियली जाओगे, कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। पहले मैं एक दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा, आप बना लेना। उत्कल यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ LLM का कोर्स है। अगर LLB करना है तो यहाँ पे मधुसूदन लॉ कॉलेज में कर सकते हो, या लाजपत राय लॉ कॉलेज में कर सकते हो 12th के बाद। अगर इंटीग्रेटेड करना है तो बाकी BA LLB जो कोर्स है वो कर देना। इसीलिए मैं पहले से ही समझा दिया कि कौन सा कोर्स है और कैसे करना है, ठीक है। अभी LLB के लिए हम जाएंगे कहाँ, उसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो है मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट MLU.ac.in। मैं सारे जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको एक बार उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, चेक करना है नोटिस, और रेगुलरली करते रहना है, कभी भी निकल सकता है। ये देखो लॉ कॉलेज एडमिशन, तो आपको आपके सामने ऐसे कुछ पेज ओपन हो जाएगा। देखो एंट्रेंस एग्जाम नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म और 3 ईयर LLB अवेलेबल सून, अभी आया नहीं है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ऐसे ही आपको हर पेज में, हर ऑफिशियल साइट में जाके चेक कर लेना है। ये देखो आपका प्रीवियस का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे था, देखो ये किसा इसका प्रोसीडर कैसे होता है और उसका जो फॉर्म क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो पहले तो आपको इसके लिए, इनके कॉलेज के लिए 45% मार्क जनरल कास्ट, 40% मार्क SC & ST चाहिए। उत्कल यूनिवर्सिटी के लिए 50% जनरल एंड 45% SC ST चाहिए। यहाँ पे सीट है 120, बाकी सारे कॉलेज में डिटेल्स में आप चेक करते हो कितना सीट है, ठीक है। तो ये पिछले साल निकला था जो 18 अप्रैल को, इस साल 18 अप्रैल तो हो गया है लेकिन निकला नहीं, शायद एक महीने या इसी अगले महीने में निकल जाएगा फॉर्म। तो आप बिल्कुल तैयार रखिए, अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन से, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट 600 रुपये का, कॉलेज के जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो नोटिस में आप चेक कर सकते हो या साइट में चेक कर सकते हो, उसी डिमांड ड्राफ्ट में आपको भेजना होगा कितने 600 रुपीज़ के साथ। ये फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट करना है, एड्रेस में दिया होगा उनके कॉलेज एड्रेस में स्पीड पोस्ट करना है, ऐसे ही पड़ता है। या डायरेक्टली आप ऑफलाइन में कॉलेज में जाके भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन में भी कर सकते हो, बहुत सिस्टम रहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारा ये MLU में वो ओनली ऑनलाइन प्रोसेस है। बाकी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन में भी है, तो आपको वो सब चीज़ कहाँ चेक करना है ये आपको मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो है career360.com। यहाँ पे आप हर कॉलेज का जो कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका कोर्स फी कितना है। जैसे कि हमें कोर्स फी जानना है LLB का, तो मैं यहाँ कोर्सेज के बारे में जान लेता हूँ, कोर्सेज फ़ी कितना है, सब कुछ यहाँ डिटेल्स में आ जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कॉलेज के साथ, ठीक है, क्या क्या कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है MLU में। LLB है, BA LLB है, LLM भी है, सारी चीज़ यहाँ पे है। BA LLB ऑनर्स है, PhD लॉ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कितना जो चार्जेस आते हैं वो भी हम देख लेते हैं, एंड फैसिलिटी क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ फीस के बारे में कुछ लिखा गया नहीं, लेकिन जो फैसिलिटी है जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, मूड कोर्ट है, जिम है, मेडिकल हॉस्पिटल है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। एंड इसका रिव्यू भी आप लोग देख सकते हो, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का 5 out of 2, एकेडमिक का 5 out of 5, प्लेसमेंट का 5 out of 1, वैल्यू ऑफ मनी का 5 out of 4, कैंपस लाइफ का 5 out of 2, इसका रिव्यू देख सकते हो आप। इस तरह से करियर 360 में हर कॉलेज का, कोई भी लॉ नहीं, हर डिपार्टमेंट में आप कहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, कितना रिव्यू देख सकते हो। ये रिव्यू सारे उनके कॉलेज के बच्चे ही दिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं भी करियर चूज करना है तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। हर साल का, जितने साल, 5 साल 10 साल का, जितने भी चाहिए, मैं सारे चीज़ शेयर करता रहता हूँ हर एग्जाम का। तो आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सिलेबस चेक करना है तो सिलेबस आपको यहीं साइट में मिल जाएगा, जैसे कि मैं भी दिखा रहा था ना सिलेबस, तो सिलेबस ये देखो, सिलेबस ये है LLB का, जो सिलेबस है वो भी दिया रखा है वही साइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अगर अच्छा लगे, या आपका कोई काम का चीज़ इसमें है, या किसी और का काम का चीज़ है, तो कृपया इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जो आपका काम आए तो दूसरे का भी आ जाएगा। चल रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, जो भी डिमांड होगा उसी पर वीडियो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।